हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर फॉरी। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले एचटीएमएल फॉर्मेटिंग के बारे में। व्हाट इज एचटीएमएल फॉर्मेटिंग? एचटीएमएल फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। जैसे अगर आप लोगों को वेब पेज में जो भी आप लोगों को टेक्स्ट या फिर कंटेंट अगर आप लोगों को वहाँ पे शो कर दे उसका लुक अगर चेंज करना है तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग एचटीएमएल फॉर्मेटिंग यूज किया जाता है। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग में जैसे अलग अलग टैग आ जाते हैं, जैसे वहाँ पे बी टैग है, आई टैग है, यू टैग है, तो यहाँ पे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो यहाँ पे अलग अलग टैग यूज करके आप लोगों के वेब पेज में जो भी टैग्स है या जो कंटेंट है आप लोगों से अलग लुक दे सकते हैं विदाउट सीएसएस। अब सीएसएस मतलब क्या है? तो सीएसएस मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल सीरीज खत्म होगी उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जो भी सीएसएस है उसकी बेसिक सीरीज शुरू करने वाले। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में विदाउट सीएसएस हम लोग जो भी आप लोगों को जो वेब पेज में टेक्स्ट या कंटेंट शो करना है तो वहाँ पे उसका जो भी टेक्स्ट का लुक कैसे चेंज करेंगे ये आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एचटीएमएल फॉर्मेटिंग टैग्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट यहाँ पे कैटेगरी आती है यहाँ पे फिजिकल टैग और जो सेकंड कैटेगरी यहाँ पे उसकी उसे बोल रहे लॉजिकल टैग। तो यहाँ पे फिजिकल टैग मतलब क्या है? जैसे आप लोग बी टैग यूज करें, आई टैग यूज करें, इसका मतलब क्या है कि बी मतलब जो भी आप लोग टेक्स्ट टाइप करेंगे उसे बोल्ड इफेक्ट आ जाएगा, या फिर अगर आप लोगों जो टेक्स्ट टाइप किए उसे यहाँ पे अगर आप लोग इटैलिक इफेक्ट चाहिए तो आप लोग उसे इटैलिक इफेक्ट दे सकते हो, तो ये वो फिजिकल टैग। ऐसे अगर आप लोग लॉजिकल टैग मतलब क्या है कि वहाँ पे जैसे स्ट्रॉन्ग टैग है, ईएम टैग है, ये टैग वहाँ पे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी आप लोग जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब क्या है? जो भी आप लोग वेब पेज में जो भी टेक्स्ट कंटेंट शो करने वाले तो वहाँ पे ब्राउजर को बोला जाता है कि इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो यहाँ पे उसे स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया जाता है। और जैसे ईएम टैग है तो वहाँ पे जैसे आई टैग से आप लोग इटैलिक कर सकते हो, तो यहाँ पे ईएम टैग से भी आप लोग जो भी कंटेंट है जैसे वहाँ पे टेक्स्ट इटैलिक होते हैं, यहाँ पे जो कंटेंट है जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग इटैलिक कर सकते हो। अब ये कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना और वहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का मेरा यहाँ पे आइकॉन शो हो रहा है, इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आने के बाद में आप लोग यहाँ पे फाइल में चले जाना, यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे कंट्रोल बटन साथ में एन बटन प्रेस कर दो तो आप लोग यहाँ पे न्यू पेज शो होगा। और न्यू पेज शो होने के बाद जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो फोर टैग्स मैंने आप लोग एस्टिमेट स्ट्रक्चर में बताया था कि वो टैग इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया था कि ये टैग आप लोग कंपलसरी देना ही देना है। जैसे एस्टिमेट टैग है, उसके बाद में यहाँ पे हेड टैग है, टाइटल टैग है और बॉडी टैग है, ये फोर टैग आप लोग जब भी वेब पेज क्रिएट करोगे तो फोर टैग आप लोगों को वहाँ पे देना कंपलसरी। उसके बाद में जैसे हम लोग यहाँ पे जो बाकी के टैग है आप जो मैं आप लोग पढ़ाने वाला हूँ, जैसे आज के इस वीडियो में आप लोग फाइव टैग बताने वाला हूँ। फर्स्ट टैग है यहाँ पे जैसे बोल्ड टैग है, इटैलिक टैग है, अंडरलाइन टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है और ईएम टैग है, ऐसे फाइव टैग में आज की इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टैग ले लेंगे हम लोग यहाँ पे बोल्ड टैग। तो यहाँ पे मैं एंगुलर ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, उसके बाद में यहाँ पे टाइप करूंगा बी। बी टाइप करने के बाद यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने और यहाँ पे जैसे मैं एक लाइन दे दूंगा दिस इज माय बोल्ड टेक्स्ट। अब यहाँ पे टाइप करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो एंगुलर ब्रैकेट ओपन कर देंगे और यहाँ पे स्लैश दे देंगे और यहाँ पे बी टैग जो अपन ने ओपन किया उसे क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे अब ये हुआ बोल्ड के लिए। तो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, सेव करने के लिए कंट्रोल बटन साथ में एस बटन प्रेस कर दो। सेव करने के लिए जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे आप लोगों को सेव करना है, जैसे मेरा डी ड्राइव में यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल एक जो फोल्डर है इसमें मैं सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट फाइल नेम जो है यहाँ पे नाम दे दूंगा फॉर्मेटिंग, देने के बाद में यहाँ पे एक्सटेंशन देंगे एचटीएमएल, देने के बाद में यहाँ पे सिर्फ सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फाइल है सेव हो गई। यहाँ पे जो भी टेक्स्ट यहाँ पे ब्लैक कलर में कंटेंट शो हो रहा था जितने भी टैग है, अब यहाँ पे जो टैग है वो ब्लू कलर में शो हो रहा है और जो उसके अंदर टेक्स्ट टाइप किया है वो ब्लैक कलर में शो हो रहा है। तो जैसे इस प्रोग्राम को अगर हम लोग रन करना है तो रन करने के लिए हम लोग फंक्शन की F5 बटन प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को उसका लोकेशन सेट करना है। लोकेशन सेट करने के लिए जिस लोकेशन पे भी आप लोगों ने फाइल सेव की हुई है, जैसे मेरी फाइल जैसे डी ड्राइव में यहाँ पे बेसिक एचटीएमएल इसी फोल्डर में, तो यहाँ पे सिर्फ मैं एग्जीक्यूटिव जो फाइल है यहाँ पे मैं करूंगा ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स पे क्लिक करने के बाद में जो फाइल का मैंने नाम दिया था फॉर्मेटिंग यहाँ पे शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे रन बटन पे क्लिक करेंगे और रन बटन पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्राउजर है आप लोग बाय डिफॉल्ट तो उसमें ये प्रोग्राम रन होगा और यहाँ पे मेरा जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया था बोल्ड टैग जैसे दिस इज माय बोल्ड टेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद में हम लोग फिर से नोटपैड प्लस प्लस में चले जाएंगे और यहाँ पे जैसे मैं एक टैग ओपन कर देता हूँ, एंटर करके हम लोग यहाँ पे टैग ओपन करेंगे जैसे स्ट्रॉन्ग टैग, जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जैसे बी टैग जो है यहाँ पे फिजिकल टैग है, जैसे स्ट्रॉन्ग है ये क्या है यहाँ पे लॉजिकल टैग है,
जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग दिए उसके बाद में हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, एक लाइन टाइप करना, दिस इज माय स्ट्रॉन्ग कंटेंट। टाइप करने के बाद में यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग टैग है हम लोग इसे क्लोज कर देंगे, जैसे एंगुलर ब्रैकेट ओपन किए, स्लैश दिए और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है यहाँ पे टाइप कर दो और यहाँ पे इसे क्लोज कर दो। अब क्लोज करने के बाद कंट्रोल एस किए, सेव करने के बाद में यहाँ पे मैं सिर्फ रिफ्रेश कर दूंगा, तो रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हो दिस इज माय बोल्ड टेक्स्ट और दिस इज माय स्ट्रॉन्ग कंटेंट। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, जैसे फिजिकल टैग है और ये लॉजिकल टैग है, लेकिन दोनों का यूज सेम है। सिर्फ यहाँ पे जो ब्राउजर को बताया जाता है कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग कंटेंट मतलब इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे जो एक टेक्स्ट है यहाँ पे ये बोल्ड टेक्स्ट है। यहाँ पे ये सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे, ये फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग का। लेकिन बाकी अगर आप लोग आउटपुट में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक टैग ओपन कर देता हूँ जिसे हम लोग बीआर टैग कहते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे बीआर टैग ओपन कर देंगे और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, आप देखो नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे जो सेकंड लाइन थी हम लोग नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे आप लोग देख, दिस इज माय बोल्ड टेक्स्ट और यहाँ पे दिस इज माय स्ट्रॉन्ग कंटेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गए होंगे ये दो टैग का यूज क्या है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टैग यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे हम लोग एक टैग यूज करेंगे आई इटैलिक के लिए। तो यहाँ पे आई टैग ओपन किए और यहाँ पे हम लोग लेंगे दिस इज माय इटैलिक टेक्स्ट। अब यहाँ पे टाइप किए, उसके बाद में यहाँ पे जो टैग है ये हम लोग क्लोज कर देंगे आई। अब क्लोज करने के बाद में यहाँ पे हम लोग फर्स्ट बीआर टैग यूज करेंगे ताकि यहाँ से जो भी ब्रेक लाइन है आप लोगों की यहाँ से शुरू हो जाएंगे। जैसे बीआर टैग यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी करने के बाद में जैसे बीआर टैग हम लोग सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे कंट्रोल सी और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करने के बाद में अब यहाँ पे कंट्रोल एस कर देना, सेव कर देना और अल्ट टैब से यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखा दिस इज माई इटैलिक टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आप लोग सीधे शो हो रहे थे और थोड़े से टेढ़े यहाँ पे शो होंगे, ये इटैलिक टेक्स्ट का इफेक्ट है। मतलब आप लोगों को जो भी टेक्स्ट या कंटेंट आप लोगों को चाहिए, आप लोग विदाउट सीएसएस जो भी आप लोग टेक्स्ट है उसके ऊपर फॉरवर्डिंग आप लोग कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग बताया था विदाउट सीएसएस आप लोग यहाँ पे कंटेंट को अगर चेंज करना है तो इसमें फॉरवर्डिंग जो एचटीएमएल में दी जाती है उसके अंदर अलग अलग टैग है, उस टैग को यूज करके आप लोगों के जो भी कंटेंट है जो भी टेक्स्ट है उसका फॉर्मेटिंग आप लोग उसका लुक आप लोग चेंज कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग अल्ट टैग कर देंगे और यहाँ पे जैसे बी आर टैग यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग एक नया टैग ले लेंगे जैसे ई एम टैग। अब ई एम टैग से भी जैसे दिस इज माय इटैलिक कंटेंट अगर यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, टाइप करने के बाद में यहाँ पे जो भी ई एम टैग इसे हम लोग क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद फिर कंट्रोल एस सेव कर देंगे और यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश कर दूंगा तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे बोल्ड जो आप लोगों ने टेक्स्ट टाइप किए थे और स्ट्रॉन्ग दोनों में कुछ भी इफेक्ट समझ में नहीं आते, दोनों सेम शो हो जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे जो इटैलिक का आई टैग है और जो सेकंड जो कंटेंट आप लोग चाहिए उसके इटैलिक इफेक्ट अगर आप लोग टेक्स्ट को देना है तो वहाँ पे ई एम टैग अगर आप लोग यूज करो तो यहाँ पे दोनों में आप लोगों को कुछ भी डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि दोनों यहाँ पे आउटपुट में जो भी आप लोग चाहिए वहाँ पे सेम शो हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को फोर टैग बता दिया और जो फिफ्थ टैग है जैसे आप ब्रेक लाइन ले लेंगे हम लोग और यहाँ पे जो फिफ्थ टैग है जो हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन का टैग है, मैं यहाँ पे यू टैग ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे इसे हम लोग इस टैग को क्लोज कर देंगे, मतलब एंगुलर ब्रैकेट ओपन किए उसमें यू टाइप किए एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे दिस इज माय अंडरलाइन टेक्स्ट। अब यहाँ पे टाइप करने दिस इज माय अंडरलाइन टेक्स्ट, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन किए स्लैश दिए और यहाँ पे जो यू टैग हम लोग ने अंडरलाइन के लिए ओपन किए थे आप उसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे कंट्रोल एस करना है और सेव करने के बाद में यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं जो भी टेक्स्ट आप लोगों ने टाइप किया उसके नीचे यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर फॉर्मेटिंग क्या चाहिए, आप लोग बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो भी आप लोग करना है आप लोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे फाइव टैग्स बताया, इससे भी अलग अलग टैग आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं जो आप लोग एचटीएमएल में इनबिल्ट दिए जाते हैं, जो भी आप लोग टेक्स्ट है या जो कंटेंट को फॉर्मेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो अलग अलग टैग कौन से मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके रिलेटेड वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। जैसे ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोग दूंगा जैसे थंबनेल पे यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग जो हम लोग सीख रहे हैं ये पार्ट वन है और पार्ट टू के लिए मैं अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना के वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पे थंबनेल पे टाइप कर दूंगा पार्ट टू करके, तो वहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि पार्ट वन कौन सा और पार्ट टू कौन सा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मुझे यही बताना था कि जो आप लोगों को विदाउट सीएसएस अगर आप लोगों के जो भी टेक्स्ट है या जो भी कंटेंट है उसे अगर आप लोगों को मॉडिफाई करना है उसका फॉर्मेटिंग चेंज करना है तो आप लोग चेंज कैसे करेंगे ये आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली बताया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर आपके जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट्स है एचटीएमएल रिलेटेड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।